हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आईपीएल 2023 की धमाकेदार शुरुआत हो गई है। इसी धमाकेदार शुरुआत के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि किसने मैच हराया, किसने मैच जिताया, किसकी गलती से वजह से मैच हारे, वो पूरा हम डेटा आपको दे पाए। पहला मैच खेला गया चेन्नई वर्सेस गुजरात के बीच। गुजरात ने बहुत ही बढ़िया टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहां पे ही वो 20% मैच तो जीत चुके थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की क्या बल्लेबाजी थी भाई, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की ऋतुराज गायकवाड़ ने। सिर्फ 23 रन पे उसने अपना 50 कंप्लीट कर दिया। सामने की ओर से उसको इतना सपोर्ट नहीं मिला। एक मौका था ऋतुराज गायकवाड़ को रन आउट करने का 6वीं ओवर की लास्ट गेम पे, वो शुभमन गिल से मिस हो गया। लेकिन उसके बाद राशिद खान ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। राशिद खान ने 2 विकेट लिए हैं, एक बेन स्टोक की, दूसरी मोइन अली की। मोइन अली ने चौका लगाया, दूसरी गेंद पे आउट किया। बेन स्टोक्स ने चौका लगाया, दूसरी बॉल पे आउट किया। तो कमाल की गेंदबाजी राशिद खान के हाथों से हुई। साहा की जबरदस्त कीपिंग, दोनों ही कैच जबरदस्त लिए थे। 23 गेंद में ऋतुराज ने 50 रन अपने पूरा करके एक छोर को संभाल के रखा। लेकिन मिस्टेक कहां हुई चेन्नई की, शिवम दुबे को भेज दिया, वहां पे भेजना था रविंद्र जाडेजा को। शिवम दुबे ने आके प्रेशर क्रिएट किया, वो प्रेशर ऋतुराज के ऊपर भी है। ऋतुराज ने अपना विकेट गवा दिया। हालांकि 92 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, आउट हुए वो भी नोबल था कि नहीं था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर चेन्नई के फैन है आप तो आपको जरूर वो नोबल लगेगा। मुझे लग रहा है चेन्नई वहां पे ही मैच हारी है कि शिवम दुबे को आगे भेजा था, वहां पे रविंद्र जाडेजा को भेजना था। जोस लिटल पहले ऐसे आयरलैंड के खिलाड़ी बने हैं जिसने आईपीएल में विकेट छटकाया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन आखिरकार में उसको विकेट मिल ही गया। 18वें ओवर में 2 विकेट आउट हुए थे चेन्नई के। पहले 10 ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन 10 ओवर से लेके 15 ओवर के बीच में मैच फंस गया। 21 गेंद तक एक बाउंड्री भी नहीं आई थी, वहां पे ही मैच फंस गया था जब दुबे और ऋतुराज बैटिंग कर रहे थे। दुबे ने बहुत सारी गेंद बिगाड़ी थी। लास्ट में धोनी ने आके एक चौका छक्का लगे, अपने फैंस को भी खुश कर दिया, हमें भी खुश कर दिया। शेर बूढ़ा हुआ है, स्वीकार करना नहीं भूला। उसके बाद शुभमन गिल जब गुजरात टाइटंस को चेस करना आया, 178 क्या बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी शुभमन गिल। बहुत ही अच्छी ओपनिंग साझेदारी भी मिल गई थी। सहा ने भी बहुत ही बढ़िया शुभमन गिल का साथ निभाया, लेकिन सहा आउट हुए। उसके बाद आए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में साई सुदर्शन। आईपीएल के पहले इंपैक्ट प्लेयर बने हैं देश पांडे, दूसरे इंपैक्ट प्लेयर बने साई सुदर्शन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की साई सुदर्शन ने, एंड गिल और सुदर्शन ने एक छोर दोनों ने ही बढ़िया बल्लेबाजी की, अच्छी पार्टनरशिप की। लेकिन साई सुदर्शन के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या भी फटाफट आउट हुए। तब एक समय पैसा लगा कि मैच शायद फंस सकता है, लेकिन शुभमन गिल ने एक छोर संभाल के रखा है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। जब शुभमन गिल आउट हुए तब हमें लगा कि मैच क्या फंस सकता है, मैच फंस गया है कि नहीं। विजय शंकर ने आके एक दो छोटे अच्छे खेले, लेकिन विजय शंकर भी आउट हो गए। एक समय पैसा लगा कि क्या धोनी वापिस से कमाल करके मैच अपनी ओर खींच जाएंगे, लेकिन राशिद खान ने आके पहले गेंद पे छक्का जोड़ दिया, दूसरे गेंद पे चौका, एंड मैच को पूरा गुजरात के पक्ष में धकेल दिया। अभी जो काम बाकी था वो द फिनिशर राहुल तेवाटिया, जो दूसरे पिछले 2-3 सीजन से करते आए, उसने ही चौका जड़ के गेम को फिनिश कर दिया, एंड गुजरात को एक अच्छी जीत दिला दी। अभी कल 2 मैच होने वाले हैं, दोनों ही मैच के मैं आपको ड्रीम 11 बताने वाला हूं कि वो 11 आपने पिक कर लिए है तो आप अवश्य जीत सकते हो। तो कल आईपीएल का डबल हेडर है, यानी कि दो बड़े मुकाबले हैं। पहला मुकाबला खेला जाएगा पंजाब वर्सेस कोलकाता के बीच। उसकी ड्रीम 11 टीम कुछ इस तरह है, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैंने सिलेक्ट किया शिखर धवन, नीतीश राणा, वेंकट अशर एज ए बल्लेबाज, राजापक्षा को एज ए मैंने विकेट कीपर लिया है, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, सेम करण मेरे लिए वो ऑलराउंडर के रूप में है। टीम साउथ ही रबाडा, साधु ठाकुर एंड राहुल चहर, ये मेरे गेंदबाजी के ऑप्शन है। कप्तान में बना रहा हूँ शिखर धवन को, वाइस कैप्टन में बना रहा हूँ आंद्रे रसेल को। तो ये मेरी पहली ड्रीम टीम है, आपकी ड्रीम टीम क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दूसरा मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच। उसकी टीम आपके स्क्रीन पे दिख रही, मैंने कुछ इस तरह बनाई है। डीकॉक सरफराज खान एंड लोकेश राहुल,
विकेट कीपर है तीनों, तीनों बल्लेबाजी में भी अच्छे है। सरफराज खान कीपिंग भी करेंगे दिल्ली के लिए, डेविड वॉर्नर, दीपक हुडा, रोमन पोवेल, मिशेल मार्च, अक्षर पटेल ऑलराउंडर के रूप में है, यादव, कुलदीप यादव, नोरकिया एंड रवि बिश्नोई मेरे गेंदबाजी के ऑप्शन है। उनमें से मैं कैप्टन ले रहा हूँ डेविड वॉर्नर को, वाइस कैप्टन में ले रहा हूँ लोकेश राहुल को। बहुत ही बढ़िया दोनों मुकाबले कल होंगे, दोनों मुकाबले किसकी वजह से हम कौन सी टीम हारे है, किसकी वजह से टीम जीती है वो भी हम पोस्ट मैच में उसका भी आपको देखा हाल देखेंगे। सब कुछ मैं मेरी जुबानी आपको सुनाऊंगा। आपको क्या लगता है जो पहला मैच हुआ चेन्नई वर्सेस गुजरात का, उसमें किसकी वजह से हम मैच हारे, कहाँ पे मैच हारे, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। आईपीएल में और क्या क्या ऐसी अपडेट्स देखना चाहते हो आप, स्पोर्ट्स में ऐसी क्या क्या अपडेट देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।